नमस्कार, मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। मुद्दा तो है मैं आज बात करेंगे किसानों के सहारे कांग्रेस की। देश की सबसे पुरानी पार्टी दहाई के अंग पर पहुंच चुकी है। अर्श से फर्श पर आने के बाद वह लगातार उठने की कोशिश करती है लेकिन बार बार असफल हो जाती है। लेकिन एक बार फिर कांग्रेस अब किसानों के सहारे अपनी बंजर होती जा रही भूमि को उपजाऊ बनाने के जतन में जुट गई है। अब तक किसान आंदोलन का समर्थन कर रही कांग्रेस को पहली बार लखीमपुर की घटना और उसके बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के बाद नया मौका मिल गया है। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की रणनीति बनाई। यह कितनी कारगर होगी यह तो प्रदेश के चार उपचुनाव के परिणाम से ही पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल तो कांग्रेस के इस आंदोलन पर भाजपा तंज कस रही है। तो किसानों के सारे कांग्रेस पर चर्चा शुरू करें, उससे पहले देखिए यह रिपोर्ट। कृषि प्रधान देश भारत में किसान हमेशा से राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है। आजादी के बाद से विपक्षी दल किसानों को लेकर प्रदर्शन करते आ रहे हैं, फिर चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस। अब देश में सत्ता से बाहर हो चुकी कांग्रेस के पास जहां जनाधार वाले नेता कम ही बचे हैं, वहीं लखीमपुर की घटना से कांग्रेस को संजीवनी मिलती दिखाई दे रही है। लखीमपुर में किसानों की हत्या और प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में अब मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश के सभी जिलों में प्रदर्शन करने की तैयारी में है। आंदोलन की जानकारी देते हुए पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही पीएम मोदी और सीएम शिवराज सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए। इतना ही नहीं, पटवारी ने प्रदेश के सभी जिलों में किसानों के समर्थन में प्रदर्शन करने की बात भी कही, साथ ही बीजेपी को किसान विरोधी बताया। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था जितनी लागत आएगी उससे दुगना किसानों को समर्थन मूल्य दूंगा। तो जब समर्थन मूल्य देने की बात आई तो कोर्ट में उन्होंने जाके कहा, समर्थन मूल्य आने की बात कही तो कोर्ट में उन्होंने जाके कहा कि हम नहीं दे सकते। फिर खाद के दाम जब मोदी जी आए 2013-14 में खाद के दाम थे 250 से 300 रुपये यूरिया का भाव था, 350 के आसपास डीएपी का भाव था और एनपीके ये 400 के आसपास इसका था, ये चार गुना बढ़ा दिया। पूरे मध्य प्रदेश में इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन किए हैं जिलेवार। इस आंदोलन को और तेजी से बढ़ाया जाएगा। किसान को हक और अधिकार के लिए पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ पूरा आंदोलन की एक प्रक्रिया बनाई जाएगी और इनका चेहरा बेनकाब किया जाएगा। कांग्रेस किसानों के समर्थन में जहां प्रदेश भर में प्रदर्शन करने की तैयारी में है, वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि 70 सालों में कांग्रेस ने किसानों को लाचार और बेसहारा कर दिया है। कांग्रेस ने शुरू से लेकर अब तक किसानों का शोषण किया है और अब भी राजनीतिक फायदे के लिए किसानों का समर्थन करने की बात कह रही है। देखिए, 70 सालों में किसान को लाचार, असहाय, बेसहारा छोड़ने वाली कांग्रेस स्वामी रंगनाथन आयोग की एक रिपोर्ट की एक रिकमेंडेशन में नहीं मानने वाली कांग्रेस, समर्थन मूल्य में वृद्धि नहीं करने वाली कांग्रेस, एमएसपी पर खरीदी नहीं करवाने वाली कांग्रेस, कर्जा माफी के नाम पर धोखा देने वाली कांग्रेस, उनको तमाम प्रकार के जो अनुदान आधारित योजनाएं थी उसको रोकने वाली कांग्रेस, कांग्रेस ही तो वो दल है जो किसानों का ना केवल राजनीतिक शोषण करती रही बल्कि आर्थिक शोषण भी करने का काम लगातार किया है। ये कुछ भी कर ले, काट की हांडी अब दोबारा नहीं चढ़ पाएगी। कांग्रेस इससे पहले भी किसानों के समर्थन में आंदोलन कर चुकी है लेकिन कोई फायदा होता नहीं दिखा। अब एक बार फिर लखीमपुर की घटना के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस आंदोलन की तैयारी में है, लेकिन सवाल यही कि क्या सुस्त पड़े कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ये आंदोलन नई ताजगी दे पाएगा और देश में कांग्रेस की जमीन एक बार फिर बन पाएगी या फिर कांग्रेस गुटबाजी से ही निपटती रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। किसानों के सहारे कांग्रेस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे, भाजपा प्रवक्ता उमेश शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे।
तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक घड़ी की व्यवस्था की है पांडे जी, हमने पूरा पैकेज आप तीनों साथियों ने सुना, डिबेट में जाएंगे उससे पहले एक एक मिनट मिलेगा सबको। तो शुरुआत दुबे जी से करते हैं, पूरा पैकेज आपने सुना है, कांग्रेस फिर आंदोलन की तैयारी कर रही है, कैसे देखते हैं आप इसको? ये समय, क्योंकि देश में कांग्रेस आंदोलन किसानों का चल रहा है, तो मध्य प्रदेश कांग्रेस ने तो इस समय का तकाजा समझा, भी उपचुनाव भी है और कांग्रेस किसानों के आंदोलन के बहाने अपना प्रदेश और माहौल बनाएगी, जिस तरह पूरे देश में किसानों का आंदोलन उसका फायदा उठाएगी। और अभी कांग्रेस जानती है कि 2018 में यदि वो सत्ता में आई थी तो मंदसौर के किसान गोली कांड के बाद उसने जो पूरे प्रदेश में किया था, किसान उसके लिए एक संजीवनी है, वो किसान सभी के लिए है, लेकिन किसान का दुख दर्द पर हाथ रख कर वो एक तरह से प्रदेश में अपना माहौल बनाना चाहती है और उसी के लिए तैयारी है। और अभी चूंकि 4 क्षेत्रों में 1 लोकसभा 3 विधानसभा के उपचुनाव है, तो हो सकता है कांग्रेस इस कारण और जल्दी और तेजी से नवरात्रि में ही इस आंदोलन को प्रारंभ कर रही है। पांडे जी, क्या ये उपचुनाव को देखकर ये रणनीति बनाई है? पहले भी आंदोलन हुए हैं, दिग्विजय सिंह ने गैर राजनीतिक आंदोलन किया, किसानों की पंचायतें की, लेकिन टिकट आए तो आप लोगों ने समर्थन नहीं किया। आप अलग आंदोलन करते हैं लेकिन किसान आंदोलन को आपका समर्थन है। फिलहाल हम इन सवालों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी, ये बताइए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों पर गाड़ियां चढ़ा देता है, क्या कांग्रेस को पता था क्या? क्या उसने कांग्रेस के कहने से चढ़ाई थी? इन्होंने कहा था किसानों की आय डबल करेंगे, क्या कांग्रेस ने मना किया है इनको कि डबल ना करें? इन्होंने डीजल के रेट बढ़ा दिए, किसानों की लागत बढ़ गई, क्या इनसे कांग्रेस ने कहा है कि आप डीजल के रेट बढ़ा दीजिए? सोयाबीन की फसल लागत आ रही है 3 एकड़ में 80,000, बिक रही है 70,000 में, क्या कांग्रेस ने कहा है कि इस तरह के आप करो? ठीक, उमेश जी, ये तो घटनाएं हुई हैं इसलिए आंदोलन कर रहे हैं वो, इसमें आपको सियासत कहाँ दिख रही है? और आप क्यों कह रहे हो 60 साल में कुछ नहीं किया तो अब उनको आंदोलन करने की कोई वो नहीं है? हम तो कोई आंदोलन करने का मना नहीं कर रहे हैं, वो दोनों पैरों के अंदर बड़े बड़े घुंघरू बांध के जाएं और छमाछम बजाते हुए निकल जाएं। कांग्रेस पार्टी पहली बार कोई गिद्ध भोज पर गई है ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी की नीति में यह गिद्ध भोज शुरू से शामिल रहा है। इस प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम घटते हैं, पूरा देश उनको लेकर आहत होता है। और ऐसा नहीं है कि केवल 4 किसान भाई मारे गए हैं, किसान भाई मारे गए हैं वो भी वेदनादायी है, वो भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और वहां पर एक पत्रकार भी मारा गया जिसका कोई लेना देना नहीं था, वहां पर 3 कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी के मारे गए हैं। तो सोनिया गांधी जी के राजकुमारी और राजकुमार जब लखीमपुर खीरी में गिद्ध भोज पर जाते हैं तो मुझे लग रहा था कि उन 3 परिवारों में भी जाना था जो कार्यकर्ता थे, जिनको असामयिक स्वाभाविक और क्रूरतम मृत्यु का सामना करना पड़ा है। और कोई योजनाबद्ध तरीके से तो ऐसा करा नहीं गया था, उप मुख्यमंत्री जी की अगवानी करने जा रहे थे और उप मुख्यमंत्री जी जिस कार्यक्रम में आ रहे थे उस कार्यक्रम का तो किसान के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। एक्चुअल में हो ये राय ब्रजेश जी के चलते हैं, किसानों का डिबेट की शुरुआत करते हैं। दुबे जी, क्या वजह है कि आपको लगता है कि कांग्रेस को उस आंदोलन से संजीवनी मिल जाएगी? एक तरफ कमलनाथ जी कह रहे हैं कि महंगाई को लेकर आंदोलन कीजिए, दूसरी तरफ आज जीतू पटवारी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं और कहते हैं कि पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे किसानों को लेकर और प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में। तो सही मौका मिल गया है, उपचुनाव में फायदा मिलेगा उनको। दुबे जी, बिल्कुल, जब कोई मुद्दा जरफरात होता है, गर्म होता है और जब उसको जनता के बीच एक तरह से ले जाया जाता है, क्या है कि देश में ये बताना भी पड़ता है कि आपके साथ ये हो रहा है। और राजनीतिक दल तो ऐसे मुद्दे उनके लिए संजीवनी का काम करते हैं, कोई भी दल हो। यदि मैं समझता हूँ कि यदि आज भाजपा विपक्ष में होती तो इससे ज़्यादा आक्रामक आंदोलन करती, वो गली सड़क मोहल्ले पे बिल्कुल सिर पर उठा लेती। लेकिन कांग्रेस का चूंकि अभी एक मुश्किल का दौर चल रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर मुश्किलें हैं, उसकी संगठन को लेकर है, लेकिन फिर इसके बावजूद भी कांग्रेस के जो नेता हैं वो इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं, उसको उठा रहे हैं। और आज यदि विपक्ष में कांग्रेस है नहीं उठाएगी तो हमने मंदसौर गोलीकांड के बाद भी आंदोलन देखा था, किस तरह से राहुल गांधी आए थे, गिरफ्तारियां दी थी, तमाम तरह के प्रदर्शन हुए थे, लेकिन उसका कांग्रेस को इतना फायदा मिल नहीं पाया था,
खासकर आप मालवा बेल्ट में देखेंगे तो यूपी से कैसे फायदा ले पाएंगे। कई बार जैसे कैरम का गेम होता है, कहीं निशाना कहीं वो होता है, ऐसे ही इसमें राजनीति में भी रहता है। उसका प्रदेश व्यापी तो फायदा मिला, अगर 15 सालों बाद कांग्रेस सरकार में आई तो उसी मुद्दे के कारण तो एनर्जी मिली थी उस समय। किसान इस देश का भाग्य विधाता भी है और सरकारों का निर्माता भी है, तो किसान की आवाज़ कौन नहीं उठाएगा और किसानों के हित में कौन सरकार निर्णय नहीं लेगी। लेकिन आज़ादी के बाद आज तक किसान वही है, किसान वही आत्महत्या करने को मजबूर है, किसान आंदोलन करने को मजबूर है, क्योंकि खेती लाभ का धंधा नहीं बन पाया। आज हम और आप एसी में बैठते हैं किसी भी मौसम में, कभी धूप में और बरसात में और कभी ठंड में, खेत में कड़कड़ाती ठंड में जाके आप देखेंगे कि पैर इतने हुए धसे हुए हैं पानी में और वो पानी पहुंचा रहा है फसल तक, और उसके बच्चे वहाँ बेड़ पे खड़े उसको खाने के लिए बुला रहे हैं, वो कह रहा थोड़ा सा खेत और हो जाए फिर आता हूँ, या धूप में पसीने में तर जब आप हम एसी बैठते तब वो काम करता है। हमने देखा आंदोलन में एसी भी लगाए बैठे हुए हैं। उमेश जी, आप लाभ का धंधा नहीं बना पाए कृषि को, वादा आपका ही था, आपकी सरकार का था, तो निश्चित तौर पर यदि आंदोलन कांग्रेस करेगी जमीन पर तो नुकसान तो आपको होगा ही। नहीं ब्रजेश जी, हमारे लिए किसानों से जुड़े विषय कभी भी राजनीतिक फायदे या राजनीतिक नुकसान के विषय नहीं रहे हैं। हम जो माननीय दुबे जी ने कहा, मैं उस बात से सहमत हूँ कि हम किसानों के परिश्रम को, उसके पसीने को, उसके प्रयासों को और उसके प्रयत्नों को प्रणाम करते हैं। किसान और कृषि हमारे लिए कभी भी राजनीतिक नफा नुकसान का सौदा रही नहीं है, और इस दृष्टिकोण से हमारी पार्टी विचार भी नहीं करती है, हम लोग इस दृष्टिकोण से विचार भी नहीं करते। एक बात। दूसरी बात, जो अब आपका मूल प्रश्न था, लाभ के धंधे में बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या उपलब्धता नहीं कराई है। एक समय 18% का साहूकारी ब्याज किसानों को चुकाना पड़ता था, जिस समय मिस्टर बंटाधार की मध्य प्रदेश में सरकार थी। शिवराज जी आए, 12% करा, 7% दी करा, 5% करा, 1% ब्याज दर पर लाए, और उसके बाद तो 0% कर दिया कि किसानों को बगैर ब्याज का ऋण उपलब्ध कराएगा। एक समय ऐसा भी आया कि समर्थन मूल्य भी प्रदान करा गया और उसके साथ अतिरिक्त बोनस भी दिया गया ताकि किसान को लाभ प्राप्त हो। एक समय ऐसा भी आया कि प्याज की बंपर पैदावार हो गई, किसान भाई परेशान था, हलकान था। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 8 रुपए किलो में प्याज खरीदा, भंडारण करा, वो प्याज सड़ गया, सरकार को फेंकना पड़ा, पर किसान भाई को तकलीफ ना हो तो हमने 8 रुपए किलो तक का भी वो प्याज खरीदा। फीडर सेपरेशन कौन ने कराया? दिग्विजय सिंह की सरकार में तो 18-18 घंटे घरों में बिजली नहीं होती थी। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने फीडर सेपरेशन करा, घर की बिजली अलग करी, खेत की बिजली अलग करी, सुगमता से खेतों में सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए गए और खाद के भावों को नियंत्रित करा गया, सहकारी सोसाइटियों के माध्यम से खाद की उपलब्धता कराई गई। एक समय तो ऐसा भी था कि खाद नदारद थी और ब्लेड बाजार और ब्लेड मेलिंग का। उमेश जी, इतना सब कुछ किया था 2018 में, परिणाम उतने क्यों नहीं आए आपके हक में? मैंने पहले कहा कि हम लोग कभी भी किसान और कृषि को राजनीतिक फायदे और नुकसान की दृष्टि से सोचते नहीं है, और केवल कोई एक विषय नहीं होता है सरकार बनने ना बनने का। और बहुत ज्यादा हमारा अंतर रहा नहीं था, 4-5 सीटों का अंतर रहा था, और वो अंतर भी इसलिए आ गया कि जो एक तो दुबे जी ने विषय बताया था कि इस प्रकार के मंदसौर जैसे जो घटनाक्रम दुर्भाग्यपूर्ण घटे थे उसका राजनीतिक फायदा उठाया कांग्रेस ने। और जो दूसरा सबसे बड़ा कारण था कि जो प्रपंच रचा था 100 पत्रों का वचन पत्र इन्होंने दिया था, जिसमें ये झूठा वायदा करा था कि 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे, 27.5 लाख की सूची जारी कर दी, किसी का 12,000, किसी का 23,000, किसी का 80,000, एक भी किसान का 2 लाख का कर्जा माफ। जब आपका कर्ज माफी का वादा धोखा साबित हुआ तो क्यों आप पे अब किसान भरोसा करेंगे कि आप उनके हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? मध्य प्रदेश का किसान एक बार आप पर भरोसा कर चुका है। पांडे जी, जी 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 जी, देखिए ये बीजेपी के नेताओं को झूठ बोलने की बीमारी है, उसका तो कोई इलाज है नहीं है। इनके नेता चूंकि विधानसभा में थोड़ा बहुत सच बोलना पड़ता है, विधानसभा में इनकी सरकार लिखकर दे चुकी है कि कमलनाथ सरकार ने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, हमारी किसान सरकार ने किसानों का बिजली का बिल आधा किया। शुरुआत से देखें तो हमने हरित क्रांति शुरू की, देश में खाने के लिए आम जनता के लिए खाद्यान्न उत्पन्न नहीं होता था, हरित क्रांति के बाद पूरे देश में खाद्यान्न उत्पन्न होने लगा, आयात बंद हो गया, श्वेत क्रांति की दूध की कमी थी, दही की कमी थी, उसके बाद वो कमी दूर हो गई। हमने पंचायती राज दिया,
किसानों के हाथ में सत्ता दी, किसानों को हमने ताकत दी पंचायती राज के माध्यम से, किसानों को सुदृढ़ बनाया, हमने मनरेगा दिया क्योंकि पूरे साल खेती का काम नहीं होता है, कुछ महीनों के लिए उनके लिए काम की और ज्यादा जरूरत थी और गांव से शहर की तरफ पलायन रुके, तो हमने मनरेगा दिया। इन्होंने मनरेगा के बारे में क्या क्या कहा था वो आप सभी जानते हैं। और आप देखिए, जब 1947 में देश आजाद हुआ था उसके बाद गाँव में या तो साइकिल होती थी या बैलगाड़ी होती थी या रेंट होता था। 2014 में जब मनमोहन जी की सरकार थी तो गांव में हर दूसरे घर में ट्रैक्टर था, हर घर में मोटरसाइकिल थी, हर घर में बिजली थी, हर घर में पानी था, हर गांव में स्कूल था, हर गांव में अस्पताल था, सारी सुविधाएं हम दे चुके। और ये कर्जे की बात अस्पताल हमने वो सड़कें 4%। अरे मोहन राघव, आपको अकल नहीं, अभी समझाया था कि बारी बारी से बोलेंगे, अनुशासनहीनता कर रहे हैं, चुपचाप इतने मत होइए। आपने शुरू में समझा दिया था कि अनुशासन में रहेंगे। अरे आप आधा लेकर उसी पे दे दोगे क्या, वो शांत हो गए? आप तो बोलिए, उनकी आवाज डाउन है भाई, आपकी सुनाई दे रही है, उनकी डाउन है। आप मुझे कैसे सुनाई दे रही है फिर, बीच में ये मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं कि आवाज मुझे सुनाई दे रही है, तो इनकी आवाज कैसे डाउन हो सकती है? अरे डाउन है भाई, पूरी भारतीय जनता लाइन पे नहीं जा रही, वो आपको सुनाई दे रही होगी, लाइन पे नहीं जा रही, सिर्फ आपकी आवाज जा रही है, मेरी और आपकी आवाज जा रही है लाइन पे बस। पांडे जी जी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अच्छे अच्छे मन से अच्छी बहस हो, ऐसे उत्तेजित होने की क्या जरूरत है उसमें, ऐसे कोई लठ लेके तो आ नहीं गए उमेश जी, यदि कुछ बोल भी दिया बीच में तो। देश को भुखमरी की पर ला दिया, महंगाई से लोग मर रहे हैं, बेरोजगारी से मर रहे हैं, अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। हो गए, अब एक सवाल कर लूं आपसे, एक सवाल कर लूं पांडे जी, अब एक सवाल कर लूं, सपोर्ट कर रही है आपके साथ, ये दिक्कत है, शुरू हो जाते तो सुनते ही नहीं हो, एक सवाल तो कर लूं। पूरी भारतीय जनता पार्टी को केंद्रीय पांडे जी, फिर मुझे आपकी आवाज भी डाउन करना पड़ेगी। पांडे जी आप मेरी सवाल तो सुन लीजिए, फिर क्या वजह है कि जब डीजल महंगा हो गया, बिजली की समस्या हुई, तो कांग्रेस सड़क पर क्यों नहीं उतरती है, फिर टुकड़े टुकड़ों में क्यों उतरती है कि कमलनाथ जी कह रहे हैं आप महंगाई भी उतर दो, कोई बड़ा नेता सामने नहीं आता तो लीड करें ना जी। देखिए, मीडिया को और भारतीय जनता पार्टी को हम कभी दिखाई नहीं देंगे, सब अहंकार में अंधे हो चुके हैं, आपको 7 साल से हम दिखाई नहीं दे रहे हैं, 2018 में मिस्टर इंडिया घड़ी पहन के आंदोलन कर रहे हैं, दिखाई दिया हम आपको नहीं दिखाई देंगे, आपको कमलनाथ, अरुण यादव, जीतू पटवारी, राम पांडे, आपको कोई नहीं दिखाई देगा, मोदी जी के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। कमलनाथ जी तो दिखाई देते हैं ट्विटर पे कभी कभी आ जाते हैं भोपाल, उमेश जी आपको दिखाई नहीं देंगे, इनका आंदोलन चलता रहता है, गांव गांव में अस्पताल खुल गए हैं, गांव गांव में सड़कें हो गई हैं, आप जबरन में किसानों के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं उमेश जी। चलिए अब आपका टाइम भी हो गया, उमेश जी आप सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए, पांडे जी की आवाज डाउन कर दीजिए भैया। उमेश जी, कांग्रेस बहुत संघर्ष कर रही सड़क पे, आपको नहीं दिख रहा है, सदन से लेकर सड़क तक पे आपको परेशान कर रखा है उसने, इसलिए आप उत्तेजित हो रहे हैं। उमेश जी 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 साहब, जी साहब, नहीं मैं तो ब्रजेश जी केवल ये जानना चाहता था कि वो इतने सारे 2014 में ट्रैक्टर आ गए थे और मोटरसाइकिल आ गई थी, तो मैं पूछना चाहता था 2-4-10 गाँव ऐसे भी होंगे जहाँ मनमोहन सिंह जी ने किसानों को हेलीकॉप्टर उपलब्ध करा दिए होंगे, मैं तो छोटी छोटी चीजें जानना चाहता था, राम भैया नाराज हो गए, मैं तो ये जानना चाहता था कि हरित क्रांति करने वाले लोग बता दें कि 1971 के बाद जब इंदिरा गांधी जी का शासन था तो अमेरिका में जो सफेद सुअर को खिलाने वाला मैक्सिकन गेहूं था वो कौन सी पार्टी लेकर आई थी, वो कौन सी पार्टी थी कि जिसके समय नारा देना पड़ा कि एक समय भूखा रहना पड़ेगा देश में, अब अनाज की उपलब्धता नहीं है, किल्लत है, तो इतनी बड़ी हरित क्रांति हो गई, इतनी बड़ी श्वेत क्रांति हो गई और दूध दही की नदियां बह गई और गांव गांव में ट्रैक्टर कर दिए, गांव गांव में उन्होंने सब कुछ उपलब्ध करा दिया था, गांव में अस्पताल भी ट्रैक्टर भी, आपकी सरकार आ गई इसलिए बेचना पड़ा किसानों को, पहले अस्पताल साहब हमारी सरकार ने गड़वा दिए जमीन में, भारतीय जनता पार्टी आई तो स्कूल उखड़ा के हमने फेंकवा दिए, कांग्रेस पार्टी ने इतनी मेहनत से गांव गांव में अस्पताल दे दिए थे, गांव गांव में
क्या क्या नहीं दिया उनने, बाप रे बाप, इतनी सारी सुविधा दे दी। राम राज आ गया साहब, सोने की चिड़िया बना दिया था कांग्रेस पार्टी ने। ब्रजेश जी मैं समारोह करता हूँ, मैं माननीय दुबे जी भाई साहब का समय मुझे लग रहा है कि हमको उनको सुनना चाहिए, वो एक निष्पक्ष है और समीक्षक भी है। मैं बात संक्षिप्त में समाप्त करता हूँ। मेरा केवल इतना सा निवेदन है कि कुछ विषय ऐसे होते हैं कि जिन पर राजनीतिक रोटियां सेकने से बाहर जाना चाहिए, और खास करके लखीमपुर पीरी की घटना हो उस पर भी राजनीतिक रोटियां नहीं सेकी जानी चाहिए, मंदसौर वाले घटनाक्रम पर भी नहीं सोपी जानी चाहिए। और जो मुल्ताई के अंदर मुल्ताई में जब हुआ था तो आपने भी वही सब किया था ना? अब जिस तरह का नहीं करा, इस तरह का नहीं करा, हमने संवेदनाएं बांटी थी, पर जिस तरह का राजनीतिक प्रोपेगेंडा करा जा रहा है वहां पर एक पॉलिटिकल ट्रिप बना दी गई है, पॉलिटिकल टूरिज्म चालू हो गया। हर एक पार्टी का नेता आ रहा है नेला ढेला अच्छा सत्ता और उठाकर लखीमपुर खीरी जा रहा है। अब वहां का राज्य शासन लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करेगा कि इन नेताओं की नौटंकियों को बर्दाश्त करेगा? कुछ विषय ऐसे होते हैं कि जिनमें राजनीतिक दलों को संजीदगी बतानी चाहिए। आप अपने राजनीतिक दल की तरफ से घोषणा करिए ना कि कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी 5-5 करोड़ का मुआवजा कांग्रेस पार्टी की तरफ से देंगे, वहां जाकर गले मिलने से समस्या हल नहीं हो जाएगी। उनका सुख बांटना तो 50-50 लाख रमन सिंह जी ने दिए, 50 लाख पंजाब सरकार ने भी दे दिए। दुबे जी क्या ये सिर्फ सियासत है, इसलिए राजनीतिक लाभ के लिए जहाँ पंजाब में भी आंदोलन चल रहा है, पंजाब सरकार भी 50 लाख रुपए देती है उत्तर प्रदेश के किसानों को, छत्तीसगढ़ में भी हालात वैसे ही हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार जब आर्थिक तंगी में उभर रही तो वो उत्तर प्रदेश के किसानों को 50 लाख रुपए देती है, तो सियासी फायदा दिख रहा है राजनीतिक दलों को, इसलिए सारे कूद पड़े हैं। लेकिन गुटों में बटी कांग्रेस को क्या इससे मध्य प्रदेश में फायदा मिल जाएगा, जब सारे नेता एक साथ ना आंदोलन के लिए सामने आ रहे हैं ना कोई रणनीति बना रहे हैं? दुबे जी फायदा किसी भी दल को तभी मिलेगा जब एक साथ सभी नेता कार्यकर्ता एकजुट होकर किसी मुद्दे को उठाएं। कांग्रेस में अभी ये दिशाहीनता है और संगठन में कसावट का अभाव है, अन्यथा इतने मुद्दे थे, महंगाई के ऐसे मुद्दे थे कि जिस पर आपने देखा जब उस समय सिलेंडर की कीमत बढ़ी थी तब आपको याद होगा कि सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे और सब ने क्या प्रदर्शन किए थे कि लग रहा था कि महंगाई डायन खाए जात है, वो गाना कितना हिट हुआ था। लेकिन आज इतनी महंगाई हो गई है तो विपक्ष अपने तरीके से कांग्रेस उठा नहीं पा रही है, तो मुद्दे तो बहुत है, उसके लिए चाहिए दल कैडर और नेतृत्व की एक तरह से आकर्षण, उसका प्रभाव के जिसके एक इशारे पर दल के कार्यकर्ता और नेता मैदान में कूदना है। तो अभी वो अभाव है, G3 के नेता अलग वो टेंशन दिए हुए राष्ट्रीय नेतृत्व को, तो ऐसे में जो 3 राज्यों की सरकारें हैं कांग्रेस की वो जितनी मदद कर रही है थोड़ा माहौल बना रही है, जैसे छत्तीसगढ़ ने और अभी, लेकिन वहां भी तो झगड़े चल रहे हैं। झगड़े तो राजनीतिक दलों में प्रायः होते रहते हैं, किसी में ओपन होते किसी अनओपन होते, ये कोई संतों की टोली नहीं है, ये राजनीतिक लोग हैं, ये तो सत्ता में आने के लिए साम दाम दंड भेद का उपयोग करते हैं, तो ये तो बहुत जब परिवार बढ़ता है तो झगड़े होते हैं। भाजपा में भी सब जगह झगड़े हैं, कांग्रेस में भी है, क्योंकि सबको संतुष्ट करना, आप और हम एक परिवार को नहीं संतुष्ट कर पाते फिर एक पूरे देश में। लेकिन ये सही है ना दुबे जी कि मुद्दे तो वाकई में बहुत हैं लेकिन उनको धार नहीं दे पाती है कांग्रेस, भटक जाती है, जिन मुद्दों पे बात करना चाहिए दाएं बाएं हो जाती है, बिल्कुल डटी नहीं रहती। और संयम से बात करना चाहिए, आपकी बात में दम है, आवाज में तेज करने से कुछ नहीं होगा, आपकी जनता सुन रही है कि आप उठाओ तो उनके मुद्दे, आप बात तो करो, आप बहुत आराम से कहेंगे तो जनता बहुत तेज से कहेगी कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कहेंगे मुझे पसीना बहाओ, जनता कहेगी हम खून बहा देंगे, लेकिन आप ही खून बहाने को उतार हो जाओगे तो फिर बचेगा क्या? मुझे लगता है कि नेतृत्व में बहुत आशा से लोग देखते हैं, आप जनप्रतिनिधि हो, आप उनके एक मुखिया हो और जो आप उनकी बात को उठाते हो, चाहे दुख हो कष्ट हो तो विपक्ष आवाज उठाएगा और सत्ता पक्ष उसका निराकरण करेगा। इतना नेतृत्व एक आह्वान पर देखो आप, आजादी के समय लोगों ने कुर्बानियां दी। 30-30 सेकंड मैं दोनों से ले लेता हूँ एक एक प्रतिक्रिया। पांडे जी मुद्दे आपके पास बहुत है, जिस तरह से दुबे जी ने भी बात कही, लेकिन आप उनको उठा नहीं पाते, एकजुटता नहीं दिखा पा रहे हो, तो आगे ऐसा देखने को मिलेगा कि हाँ अब कांग्रेस पूरे दम से इस मुद्दे पर लड़ेगी सड़क पर। जी दुबे जी झूठ बोल रहे हैं, मैं आज ही महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर धरना देकर आया हूँ। बिल्कुल, कल प्रियंका गांधी जी बंती और लखीमपुर की घटना पर कल देकर आया था, क्या आपको, और ये पूरे मध्य प्रदेश में हुआ है,
अब आपको कल की घटना का कल का आंदोलन नहीं पता, आज का आंदोलन नहीं पता, कांग्रेस रोज आंदोलन कर रही है, आप गूंगे बहरे अंधे हो गए तो ये कांग्रेस की गलती नहीं है, कांग्रेस हर शहर में हर गांव में हर जगह कर रही है, और चाहे यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो आगे से आपके टीवी पर नहीं आऊंगा कल। चलिए उमेश जी, उनने तो इतने बड़ी कह दी बात कि हम तो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, दिख नहीं रहा है। चलो हमको नहीं दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा, जनता को तो दिखता। आपकी 30 सेकंड में प्रतिक्रिया, समय हो गया। मुझे लग रहा है ब्रजेश जी मेरा सारा काम राम पांडे जी ने आसान कर दिया है, मुझे अब कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं बची है कि जिस पार्टी का प्रवक्ता एक निष्पक्ष पत्रकार को झूठा बोले और आपको अंधा बोले, तो मुझे लग रहा है कि फिर भारतीय जनता पार्टी को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस से बड़ा दुश्मन कांग्रेस का और कोई नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी हमारा भी काम कर रही है, उनको धन्यवाद। मेरा तो आग्रह केवल इतना है कि पत्रकार बंधुओं के लिए थोड़ा सा संयम की भाषा वापरना चाहिए। जय राम जी की। उनको लगता है कि सही सलाह भी उनके लिए सही नहीं है शायद। बहरहाल अब समय इजाजत नहीं देता, इसलिए इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस सच्चाई सुनने को तैयार नहीं है, वो अपने मुंह मियां मिट्टू बन रही है। यदि उसके पास मुद्दे हैं तो मुद्दों पर लड़ाई लड़े। यदि किसान आंदोलन वो सीधी भागीदारी नहीं कर रही थी, ये मौका मिल गया तो क्यों नहीं उस मौके का फ़ायदा राजनीतिक दलों को उठाना चाहिए, और वो भी उठा रही है। तो मौके का फ़ायदा उठाए लेकिन एकजुटता के साथ आंदोलन की रणनीति बनाए, और यदि कोई सलाह दे तो उस पर भी गौर करे, तो हो सकता है कांग्रेस का मध्य प्रदेश ही नहीं देश में भी उद्धार हो जाए और दहाई के अंक से वो ऊपर उठ जाए। मुद्दा तो है, मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।